हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ दीपक सामल और मेरे पास एक एम आई का सेट है आज। तो इसको कैसे फ्लैश करेंगे आज इस वीडियो में हम जानेंगे, ठीक है। एम आई 4A है मेरे पास। देखिए, आप थोड़ा मैं आपको मॉडल दिखा दे रहा हूँ। मॉडल क्या है? मॉडल आपका है 2016116, ठीक है। ये एम आई का मॉडल है 2016116, ये है रेडमी 4A। तो हमको चाहिए इसका फ्लैश फाइल। तो आपको सिंपल क्या करना है, गूगल में टाइप करना है MI 2016116 फ्लैश फाइल। तो यहाँ पर क्लिक कर लीजिए, आप सर्च कर लीजिए। जब आप सर्च करें, देखिए आपको पहले आ जाएगा यहाँ पर रिपेयर माई मोबाइल का वेबसाइट। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको ये जो दोनों फ्लैश टूल फ्लैश फाइल दोनों को इंस्टॉल कर लेना, डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। दोनों को, ये फ्लैश टूल ये है फ्लैश फाइल, ये दोनों को डाउनलोड करने के बाद, तो मैं आप देखिए पहले से डाउनलोड कर चुका हूँ। यहाँ पर देखिए ये दोनों चीज़, ये फ्लैश फाइल फ्लैश टूल। अब यहाँ पर इसको कर लीजिए एक्स्ट्रैक्ट। आपको मैं दूंगा एक क्वालकम का USB ड्राइवर। तो आपको ये जो ड्राइवर है, आपको इसको इंस्टॉल, ये जो नीचे लिखा है सेटअप, इसको आपको सेटअप इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं पहले से इसको इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो अभी मैं इंस्टॉल नहीं करूँगा, ठीक है। लेकिन आपको ये इंस्टॉल करना है, ये क्योंकि ये क्वालकम का ड्राइवर है। तो ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर चलना है फ्लैश टूल और फ्लैश फाइल में इसको स्टार्ट कर लीजिए। और जो मी का फ्लैश टूल है, इसको आपको सेटअप मारना है। यहाँ पर मी फ्लैश को आपको सेटअप कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्या करना है आपको, जब इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको ऐसे लोगो आ जाएगा मी का। तो अब इसको ओपन करना है यस। तो देखिए यहाँ पर आपको देना है यहाँ पर फ्लैश फाइल। तो कहाँ आप देंगे फ्लैश फाइल, यहाँ पर करेंगे सिलेक्ट। तो यहाँ पर चलेंगे डेस्कटॉप पर, जहाँ पर रखे होंगे। तो हम कहाँ रखेंगे, MI 4A में हम रखे थे ये जो फ्लैश फाइल है, ये लिखा है रोलेक्स ग्लोबल इमेज। इसको सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर कर लीजिए ओके। तो आपका यहाँ पर आपका फ्लैश फाइल आ चुका है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, हम करेंगे फ़ोन को कैसे कनेक्ट करेंगे, ये है पहले। देखिए फ़ोन को कैसे कनेक्ट करना है, तो मैं आपको थोड़ा दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये जो यहाँ पर जहाँ पर आप फाइल डाउनलोड किए थे, तो देखिए यहाँ पर इसको इस दोनों को सॉर्ट करना है, ये बताया है इमेज में, दोनों को सॉर्ट करना है। और यहाँ पर क्या करना है आपको, कनेक्ट फोन थ्रू USB केबल टू PC एंड अनप्लग बैटरी। आपको बैटरी को निकाल लेना है, शॉर्ट टेस्ट पॉइंट एंड कनेक्ट बैटरी, ठीक है। तो आपको देखिए ये 9880 का आपको आ जाएगा क्यू लोडर, USB जो कॉम पोर्ट है वो क्यू लोडर का 9808 आ जाएगा आपको। तो अभी डाउनलोड एंड रन मी फ्लैश टूल, उसके बाद आपको फ्लैश कर लेना है। देखिए मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, तो देखिए अभी हमको क्या करना है, देखिए हम सेट अभी ऑन है हमारा, ओके। तो हम अभी क्या करेंगे, इसमें से बैटरी को निकाल लेते हैं, जो सॉरी हाँ बैटरी को जो प्लग है उसको अनप्लग कर लीजिए, और कुछ नहीं, ओनली बैटरी का जो प्लग है उसको अनप्लग कर लीजिए। और अभी आपको क्या करना है, ये जो दोनों पॉइंट है ना DP पॉइंट, ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये दोनों पॉइंट को आपको शॉर्ट करना है। देखिए मैं कौन सा पॉइंट आपको बता दे रहा हूँ, ये दोनों पॉइंट यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, आपको ये दोनों पॉइंट को शॉर्ट करके आपको इसमें USB इंसर्ट करना है। तो देखिए मैं अभी कर रहा हूँ, अभी फिर से करते हैं, ओके। ऐसा साउंड आ जाएगा आपको। तो देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, अगर वाइब्रेट होगा तो नहीं होगा, अगर ऐसा साउंड भी आ गया है, डिटेक्शन साउंड आ जाएगा, तो आपको आप समझ लेंगे कि आपका अभी कनेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, तो इसको क्लोज कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हम करेंगे, देखिए हम यहाँ पर करेंगे रिफ्रेश,
यहाँ पर रिफ्रेश करने पर देखिए आपका, देखिए यहाँ पर कॉम सिक्स मेरा शो हो चुका है यहाँ पर कॉम सिक्स। तो हम चलेंगे यहाँ पर माई कंप्यूटर में, यहाँ पर राइट क्लिक कर लेंगे, प्रॉपर्टी में चलेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर चलेंगे डिवाइस मैनेजर में। डिवाइस मैनेजर जाने के बाद देखिए मेरे आपको यहाँ पर दिखा जा रहा हूँ, लिखा है ना पोर्ट और कॉम, यहाँ पर देखिए मेरा शो कर रहा है क्वालकॉम एच एस यू एस पी क्यू लोडर 9008। देखिए दोस्तों, अगर आपका यहाँ पर नहीं शो करेगा, मतलब यहाँ पर ये तो शो करेगा ही, अगर यहाँ पर आपका आएगा क्वेश्चन मार्क, मतलब ऐसे येलो कलर का एक सिंबल आ जाएगा, तो आपको क्या करना है, अगर अगर आ गया तो आपका ड्राइवर सक्सेसफुल नहीं लिया है, ठीक है। तो आपको राइट क्लिक करना है यहाँ पर, अपडेट ड्राइवर चलना है अभी यहाँ पर, अपडेट ड्राइवर, ब्राउज माई कंप्यूटर और लेट मी पिकअप, और यहाँ पर हम चलेंगे हाबे डिक्स। देखिए यहाँ पर हाबे डिक्स, और यहाँ पर ब्राउज, और यहाँ पर देखिए चलेंगे डेस्कटॉप पर, और जो यहाँ पर लिखा होगा रेडमी का कहाँ गया 4A, और इसमें तो मैं आपको जो दिया हूँ क्वालकॉम यूएसबी ड्राइवर, चलेंगे फिर से ड्राइवर में, यहाँ पर क्वालकॉम ड्राइवर, और यहाँ पर गूगल है, यहाँ पर क्वालकॉम नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पर चलेंगे क्वालकॉम में, और ये ड्राइवर देखिए ये जो लिखा है ना क्यू सी ए सी आर, आपको इसको सिलेक्ट करके दे देना है, अगर आपका वहाँ पर ड्राइवर नहीं लेता है तो, अगर येलो मार्क आता है तो आपको ये वाला देना है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए कैंसिल कर लेते हैं, अभी हो गया मेरा, अभी यहाँ पर ड्राइवर सॉरी फ़ोन कनेक्ट हो चुका है क्वालकॉम एच एस यू एस पी क्यू लोडर 9008। तो इसको क्लोज कर लीजिए, इसको क्लोज कर लीजिए, इसको भी क्लोज। देखिए हम मेरा यहाँ पर हमारा आईडी कॉम सिक्स यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है, यहाँ पर रिफ्रेश करने पर, यहाँ पर रिफ्रेश जब मैं कर दिया तो यहाँ पर मेरा अभी ये आ चुका है। तो अभी कुछ काम नहीं, सब काम ख़त्म हो गया, अभी अभी हमको देना है यहाँ पर फ्लैश। देखिए यहाँ पर लिखा है फ्लैश, फ्लैश को क्लिक करेंगे और कुछ नहीं काम। चलिए फ्लैश, देखिए हमारा अभी फ्लैश शुरू हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। तो अभी हमारा फ्लैशिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, तो देखते हैं फ्लैशिंग होने तक वेट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो लिखा है ना रिजल्ट, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हो फ्लैशिंग में है ना, तो आपको यहाँ पर लिखेगा सक्सेस, मतलब आपका फोन 100% सक्सेस फ्लैश हो चुका है। मैं मेरा लिंक में ओनली दूंगा ड्राइवर, आपको टूल और फ्लैश फाइल वहां से डाउनलोड कर लेना है।
ओके दोस्तों, देखिए यहाँ पर हो लिख चुका है, देखिए स्टेटस में फ्लैशिंग डॉन, ठीक है यहाँ पर लिखा हुआ है सक्सेस, देखिए ग्रीन कलर में। तो अभी आपका 100% फ्लैशिंग जो है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो हम अभी क्या करेंगे, केबल को हम यहाँ से निकाल लेंगे। केबल निकालने के बाद हम बैटरी लगाएंगे इसमें, सेट को करेंगे हमें भी ऑन। ओके तो दोस्तों वीडियो तो ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो आगे का सेटअप जो है ये अभी थोड़ा बहुत टाइम लगा अभी सेटअप होने में, तो आप आगे का सेटअप आप खुद ही कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, अगर आपका MI अकाउंट इसमें मांगता है, अगर MI अकाउंट आपको याद नहीं है वो भी वीडियो में बनाया हूँ मैं, मेरे वीडियो के नीचे वो लिंक दे दूंगा, आप उसको वहाँ पर भी देख कर वो MI अकाउंट कैसे रिमूव करते हैं उसको रिमूव कर सकते हैं, अगर आपको मेल आईडी पासवर्ड याद नहीं है तो, ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।